हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूट्यूब टेक रियाज में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लोबल वीपीएन एप्लीकेशन के बारे में। तो दोस्तों, ग्लोबल वीपीएन एप्लीकेशन क्या है, किस तरीके से इसको यूज करते हैं, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का आइकन गूगल पे प्रेस कर देना, ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, ग्लोबल वीपीएन एप्लीकेशन क्या है, तो दोस्तों ग्लोबल वीपीएन एप्लीकेशन में आपको वर्चुअल सर्वर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग कंट्री के आप इसमें सर्वर देख सकते हैं, उसी के साथ साथ वर्चुअल नेटवर्क आपको इसमें मिल जाएंगे। तो इसको यूज किस तरीके से करते हैं, तो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है, तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब आप इसको ओपन करोगे तो कंटिन्यू टू ऐप का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको इसका फेस देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप टाइम टू टाइम आप यहाँ पर अपडेट चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मैसेज वाला ऑप्शन मिल जाएगा, और उसके बाद अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको प्राइवेसी पॉलिसी इसमें देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों, अगर आप यहाँ पर लॉक वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आपको इसमें कुछ परमिशन देनी है, और जो भी यहाँ पर सर्वर सिलेक्ट होगा उसको आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ओके में क्लिक करके आपको इसमें परमिशन दे देनी है, और जो सर्वर यहाँ पर होगा वो यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप और सर्वर देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर स्मार्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर सर्वर आ जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ से सर्वर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप ग्लोबल वीपीएन एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का आइकन गूगल पे प्रेस कर देना, ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।